सो गाइज फाइनली महिंद्रा इज गोइंग टू कम अप विद द हीरो इलेक्ट्रिक और दोनों मिलकर साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो भी टू व्हीलर्स। तो गाइज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर महिंद्रा हीरो इलेक्ट्रिक के साथ मैन्युफैक्चर करने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरुआत कर दें। ये गाइस जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी वो भी हीरो की और वो भी ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी या सिंगल बैटरी। आप सबको पता है कि हीरो का सबसे बड़ा इशू था उनका बिल्ड क्वालिटी। अभी ये बिल्ड क्वालिटी का इशू हैंडल करने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक की दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा उनके पीथमपुर के प्लांट में। ये पीथमपुर कहाँ है गाइज? ये एमपी में है। तो ऑलरेडी एमपी में पीथमपुर में महिंद्रा का जो प्लांट है वहां पे उनकी जावा और एसडी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हीरो का जो टारगेट है गाइस अभी अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक बुक करने जाओ हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी को 4 महीने का वेटिंग है गाइस। अभी बुक करो, 4 महीने बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोनों ने साथ आने की यहां पे करार किया है और उस करार में करीबन उनका इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़ का। तो दो ऐसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है जो हीरो इलेक्ट्रिक की होगी वो मैन्युफैक्चर करेगा अभी महिंद्रा। कौन सी है? पहला है ऑप्टिमा। तो ऑप्टिमा एचएक्स सिंगल बैटरी हो या डबल बैटरी हो अभी वो मैन्युफैक्चर करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दूसरा एनवाईएक्स जो एक दूसरा यूटिलिटी व्हीकल है हीरो इलेक्ट्रिक का जिसपे आप बहुत सारा सामान रख के चले जा सकते हो इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा, उसको यूज भी कर सकते हो और धंधा भी कर सकते हो उसके ऊपर, तो वो भी मैन्युफैक्चर करेगा अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मुझे ऐसा लगता है इससे दो चीजें होने वाली है। पहले तो जो हीरो इलेक्ट्रिक का टारगेट है 1 मिलियन का टारगेट है गाइस, दे वांट टू मैन्युफैक्चर 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन ईयर। एक साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर करने हैं हीरो इलेक्ट्रिक को और ये जो टारगेट है वो फुलफिल होने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा जो बिल्ड क्वालिटी का इश्यू है गाइस हीरो इलेक्ट्रिक का, अभी प्लास्टिक बहुत ही खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है हीरो के साथ में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा है तो उनका बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। अभी इससे क्या होगा कि आपको वेटिंग कम करना पड़ेगा, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी जल्दी मिलेगी क्योंकि बाकी हीरो इलेक्ट्रिक में कुछ इशू नहीं है गाइस। उनका एक ही इशू है बिल्ड क्वालिटी और दूसरा उनका इशू है कि थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए सर्विस के ऊपर। तो अभी उनका अगर जो फोकस है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो जाता है, वो सर्विसिंग पे उनका फोकस शिफ्ट कर दे और मैन्युफैक्चरिंग अगर पूरा उनका महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रहा है तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है हीरो इलेक्ट्रिक के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर पाएगी। अभी मैं जल्दी आपको हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी और सिंगल बैटरी के स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। सो हीरो ऑप्टिमा सिंगल बैटरी जो है उसमें और ड्यूअल बैटरी में फर्क क्या है? दोनों में मेनली जो फर्क है वो है बैटरी का। हीरो ऑप्टिमा एचएक्स सिंगल बैटरी जो है गाइस उसमें 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, डबल बैटरी में 3 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। सिंगल में आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा करीबन 25-30 का, तो डबल में आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा करीबन 42 kmph का। सिंगल में आपको रेंज मिलेगी ज्यादा से ज्यादा 60-70 किलोमीटर, बट डबल बैटरी में आपको रेंज मिलेगी करीबन 120 किलोमीटर। तो हीरो ऑप्टिमा एचएक्स का पूरा ऑप्टिमा का मैन्युफैक्चरिंग LX हो HX हो वो अभी करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दूसरी जो NYX है गाइस वो थोड़ी सी रगेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है हीरो इलेक्ट्रिक की, वो भी मैन्युफैक्चर करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अगर आपको बुकिंग करना है तो बिना दिक्कत आप बुकिंग करो। आपको अभी मुझे ऐसा लगता है इनका टाइप हो चुका है, महिंद्रा भी एक अच्छा ब्रांड है, तो अगले 5 सालों में ये दोनों साथ में मिलकर बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि महिंद्रा उनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटरसाइकिल के साथ आने वाला है। तो गाइस ये अपडेट कैसा लगा जरूर बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।